नागपुर में दीक्षा भूमि पर बड़ा आंदोलन। बाबा साहेब के सम्मान में अम्बेडकर वादी मैदान में मजाक में ले रहे थे लोग अम्बेडकर जनता को। जबरदस्त आंदोलन की तस्वीरें दीक्षा भूमि नागपुर से आई हैं। आज हजारों की संख्या में बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को अपना महानायक मानने वाले लोग दीक्षा भूमि पर इकट्ठा हुए थे। मजाक में ले रहे थे लोग अंबेडकर जनता को। इसका विकास करते हर तरफ जय भीम के नारे सुनाई दे रहे थे। नागपुर में आज अंबेडकर वादियों का ऐसा जनसैलाब उमड़ा कि हर कोई हैरान रह गया। नीले झंडों के साथ भीम सैनिकों ने महाराष्ट्र सरकार और दीक्षा भूमि की देखरेख करने वाली समिति के होश ठिकाने पर ला दिए। मजाक में ले रहे थे लोग अंबेडकर जनता को। इसका विकास करते मैं चंद घंटों में बाबा साहेब के अनुयायियों ने वो हासिल कर लिया जो वो चाहते थे। लेकिन इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन आखिर क्यों हो रहा है? दरअसल इसके पीछे दीक्षा भूमि के सौंदर्यकरण के नाम पर हो रहा कंस्ट्रक्शन है। महाराष्ट्र सरकार ने दीक्षा भूमि के ब्यूटिफिकेशन के लिए 200 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इस रकम से दीक्षा भूमि में कई तरह के निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में दीक्षा भूमि के मुख्य स्तूप के पास ही एक अंडरग्राउंड पार्किंग बनाई जा रही है। साथ ही 1000 लोगों की क्षमता वाले हॉल भी अंडरग्राउंड बनाए जा रहे हैं। इसी कंस्ट्रक्शन की वजह से दीक्षा भूमि का पुराना स्वरूप बिगड़ रहा है और साथ ही खुदाई होने के कारण श्रीलंका से लाए गए बोधि वृक्ष के सूखने की खबरें भी सोशल मीडिया पर घूम रही हैं। ऐसे में बाबा साहेब के अनुयायियों का कहना है कि नए कंस्ट्रक्शन से दीक्षा भूमि के मुख्य स्तूप को नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए लोग इसका विरोध कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन के नाम पर दीक्षा भूमि के मुख्य स्वरूप को ही बदलने की कोशिश का भी आरोप है, इसलिए लोग इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं। अंबेडकर वादियों की कोशिशें रंग लाई और आज महाराष्ट्र सरकार ने इस कंस्ट्रक्शन पर स्टे लगा दिया। नागपुर की दीक्षा भूमि वही जगह है जहां 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। हर साल दीक्षा भूमि पर विजयदशमी के मौके पर लाखों लोग जुटते हैं। अंबेडकर वादियों के लिए दीक्षा भूमि एक तीर्थ की तरह है। ऐसे में लोगों से बात किए बिना और लोगों को भरोसे में लिए बिना ही कंस्ट्रक्शन का प्लान बनाना और कंस्ट्रक्शन शुरू कर देने से अंबेडकर वादी काफी नाराज थे और इसी के खिलाफ आज दीक्षा भूमि पर लोग इकट्ठा हुए थे। लोगों के गुस्से को देखते हुए महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने फिलहाल निर्माण पर रोक लगा दी है।
अब देखना ये होगा कि इस मसले पर समाज और सरकार का अगला कदम क्या होगा। इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। आपसे अपील है वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल द न्यूज वीक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के अंत में आपसे एक छोटी सी अपील। साथियों, अगर आपको द न्यूज वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अंबेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358700000640, IFSC कोड है SB000235, बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।